बुरहानपुर का जिला हॉस्पिटल इन दिनों मौत का दवाखाना बना हुआ है। यहां डॉक्टरों की भारी लापरवाही के चलते एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने से प्रसूता और नवजात की मौत पिछले दिनों हुई थी। वहीं एक नया मामला और भी सामने आया है, जहां दो मरीजों की रिपोर्ट से अदला बदली होने से दोनों की दवाइयाँ भी बदल गई। अब दोनों मरीजों की मौत का खतरा मंडरा रहा है। जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लधबे के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने RMO भूपेंद्र गौर को लताड़ भी लगाई है। उन्होंने RMO से हॉस्पिटल का कारोबार संभल नहीं रहा है ये भी कहा है, जिसके चलते इस तरह की बड़ी गड़बड़ी और लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि गड़बड़ी को तत्काल सुधारा जाए। वहीं सिविल सर्जन प्रदीप मोजेस से भी चर्चा की है, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मैं यहाँ किसी पेशेंट को देखने के लिए आया था। उनके 3-4 दिन से इलाज चल रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको और अच्छे इलाज के लिए हम खंडवा रेफर कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ और समस्याएं भी ध्यान में आई है, जैसे एक ही नाम के 2 पेशेंट एडमिट थे, तो उस एक पेशेंट की फाइल में उसकी रिपोर्ट लग गई, उनकी फाइल में उसकी रिपोर्ट लग गई। तो मैंने इनसे कहा है कि रिपोर्ट लग गई है ठीक है, लेकिन यदि इनकी दवाई उनको चली जाए, उनकी दवाई इनको चली जाए, तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना हो, हमने कहा। और हर 2 से 3 घंटे में सफाई की जरूरत पड़ रही है। और एक एक पेशेंट इस तरह पे आपने देखा है कि कितनी वेटिंग भी कितनी सारी है, और पेशेंट भी आते हैं तो उनको समझाइश भी देते हैं, फिर भी वो गंदगी करते ही रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरी, अभी मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है सफाई